हाँ, कभी आपने देखा होगा सिटी के अंदर शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री चॉकलेट, हमारे यहाँ शुगर फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसा लिखा है कि नहीं? अब वो शुगर फ्री क्या होता है, मैं उसकी खेती करता हूँ। स्टिंग ऐसा गुदा होता है जिसके अंदर मिठास से शक्कर से भी 30 गुना ज्यादा होती है, उसके अंदर शुगर नहीं होता, उसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइन है, उसके अंदर एक साल्ट होता है, स्ट्रेप्टोमाइन वो मीठा होता है, और उसकी जो है जहां भी ये डायबिटीज के रोगियों के लिए चाय में, मिठाई में और भी कोई आइटम बनाने में उसका उपयोग होता है। अपने भारत में क्या है, इसकी एग्रोसिटी की डंडी है, तो ये क्या है कि ये इसकी खेती अगर बात करते हैं, इसके अंदर शुगर भी होता है, ये शक्कर का मिलता है, तो ये पौधा जो है एक बार लगाने के 5 साल तक अपन को फसल देता है, एक बार लगाओ। और कई लोग अपने अपने इसको देसी भाषा में जो ना भारत में इसको मिट्टी तुलसी के नाम से भी लोग जानने लगे, क्योंकि इसका जो पौधे का जो साइज, पौधे की पत्तियों की जो आकृति वो तुलसी की तरह होती है ना, इसको लोग मिट्टी तुलसी के नाम से भी उगाते हैं। बाकी इसका नाम जो मेन है टेविया होता है, स्ट्रेप्टोमाइन, इसके अंदर साल्ट भी पाया जाता है जो मीठा होता है। इसकी खेती भी जो है किसान करके अपने खेत में एक एकड़ में एक साल में 2 लाख रुपए कमा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कोई खेती नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई टेक्निकल ज़्यादा दिक्कत आती है, नॉर्मल खेती है। खेती करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, इसकी खेती के लिए आपको पहले बीज लाना पड़ेगा। इसका बीज जो है वो हल्का बीज होता है, फूल जैसा बीज, इसके जो फूल होता है, ये मान लो अपने गेंदा का बीज क्या है, गेंदा का फूल पूरी बीज होता है ना, उसका फूल के अंदर फिर वो निकलती अंकुड़ियाँ कहीं है ना, वही तो बीज है। इसका बीज भी तरह का है, इसके जो फूल आ रहे हैं तो वो चीज जिसका बीज होता है, तो उस बीज की नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने का अनुकूल जो समय है वो फरवरी का रहता है, फरवरी जो अनुकूल टाइम नर्सरी तैयार करने का, तो नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जब आपकी नर्सरी दो लगभग 60 से 70 दिन की हो जाती है, तो उसका प्लांट अपन करते हैं। इसको किसान भाई दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे सफेद मुर्दे के बारे में बताया, उसको आप बेड़ लगा सकते हो, बेड़ पे मल्चिंग भी कर सकते हो, प्लेन केज भी कर सकते हो, दोनों सिस्टम है। जिनके पास सुविधा है मल्चिंग, तो मल्चिंग की ड्रिप सिस्टम की वो ड्रिप पे कर सकते हैं, और जिनके पास इस तरह का नहीं है व्यवस्था, वो अपन नाड़ेदार पानी पिलाओ, अलग अलग इरीगेशन करो, अपनी क्यारी बनाओ, क्यारी में गेहूँ की तरह आप कर सकते हो। तो खेत की तैयारी आपको कब करनी है, इसकी अभी नर्सरी तैयार करनी है, और मार्च में खेत की तैयारी करनी है, मार्च में इसलिए मार्च लगेगा, ये फसल खत्म हो जाएगी, खेत की बड़ाई जुदाया कर करके और खेत की तैयारी करो, और जब तक आपके पौधे तैयार हो जाएंगे उसमें पौधे लगाना है। एक एकड़ में 40,000 पौधे प्लांट करने होते हैं एक एकड़, ठीक है। तो 40,000 पौधे लगाने के बाद में क्या है, आप चाहे मल्ची में लगाओ या बेड पर लगाओ, सुविधा आपकी है, केवल आपको उसमें मेनूर भी देना है, आपको बेसल रोड में दे दो एक बार स्टार्टिंग में, जो भी आपको खाद जो भी देना है वो एक बार में दे दो। खाद वही मैंने बताया पहले आपको, एक एकड़ में लगभग 3 तोला गोबर का सूखा खाद को डालना है आपको। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल दो लगभग आपको 5 से 8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दो आप। उसके बाद भी क्या होगा, आपको पौधे इतने बड़े पौधे होते हैं उसका रिप्लांट आपको, जैसे अपन टमाटर के पौधे प्याज के पौधे ऐसे लगा रहे हैं, लगभग आपको 5 से 6 इंच की गैप में वो प्लांट लगाना है। प्लांट लगाने के बाद में आपको पानी देते रहना है, पानी देने के बाद में आपका ये 3 महीने बाद में 4 महीने में जाएगी। अपन जो पशुओं के लिए करते हैं ना, लड़का क्या बोलते हो आप, सकड़ा बोलते हो, लड़का बोलते हो, बकरी बोलते हो, जो भी है इस तरह का है, इसे लगे कमरा हो गया फिर अपन काट लेते हैं, फिर 1 महीना हुआ फिर काट लेते हैं, इस तरह का पौधा है। हर 3 महीने में इसके
हार्वेस्टिंग अपन करेंगे दांतली से, दांतली से ठीक है ना। और आजकल वो आगे मशीन दूसरी उससे कर सकते हो, पहले दांतली से आराम से करो रजगे की तरह, मतलब द्वार के ऊपर यानी एक डेढ़ इंच के ऊपर ठीक है। वो आपको कटाई करके खेत भी थोड़ी जगह को खाली हुआ बार बार मिशा के उस पर डाल दो आप, चार पांच दिन में सूख जाता है। सूखने के बाद में आपको उसको पत्तिया को जो है ना थोड़ा सा अपन वो क्या बोलते हैं उसको पुरानी लगाना या उसको बदलना है ना, रूप जाए सूखने बद उसको बदल लो पलट दो, मतलब सूखने के बाद में आराम से उसके जो है हवा में कूलर पंजे में आप उसको बरसात लो, बरसा लो पत्ते एक हो जाएगी, डंडल एक हो जाएगी, पत्तियाँ को आप बोरे में बन लो मार्केट में जाओ ठीक है। इसका बाजार मूल्य जो है अभी वर्तमान में 100 रुपये से 150 रुपये किलो मिलता है, 10,000 से 15,000 रुपये क्विंटल। अपने एकड़ में जो है ये आपका 20 क्विंटल लगभग निकलता है एकड़ में। बीघे की अगर बात करें तो अपना बीघा जो है ना 1.7 का होता है मेरे हिसाब से, 1.7 में एक एकड़ होता है। तो बीघे में भी देख लो कहीं बीघा छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी एकड़ में बनवाते हैं थोड़ा तो इनकम आपकी हो गई, खर्चा एक बार कमाई 5 साल तक, 5 साल चले गए होगा बस काट दिया उस पर। अब बताओ क्या समस्या आएगी इसमें लगाने में, समस्या आ रही है कोई नॉर्मल है ना, जलवायु सूट करेगी नहीं करेगी। जलवायु ये है कि आपको कह रहा हूँ माइनस में जाना चाहिए टेम्परेचर और ऊपर 45 तक। मेरे खेत में देखो 45 के टेम्परेचर पौधा रहता है, बस गर्मी में पानी थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 दिन में देना पड़ेगा बस वही बात, 45 और इधर माइनस में जाना चाहिए आराम से अपने यहाँ तो 8-7% फिर भी इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं जाना हमारे को भी। दूसरी बात रोग की बात करें अपने, इसमें मैंने कोई रोग देखा ही नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं आती, इसमें कोई इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये नई नए पौधे हैं ना, इनको मच्छर भी नहीं जानती है क्या चीज है क्या। अरे वैसे वो नए पौधे से ले दो, मैं कह रहा हूं है ना, अभी मेरे एक सोयाबीन का सोयाबीन सुनो आप, सोयाबीन बारिश में और उसके बाद में थी ये स्टीविया, सोयाबीन में जो उसको जो हिलाएंगे ना इसको पेड़ को तो कम से कम 20 लटे नीचे गिरेगी। अरे इस पे एक भी लट नहीं है, इस पे पूरा पूरे खेत में एक पौधे एक पत्ते भी छेद नहीं था, सोयाबीन पूरा रेडी करने खाते करके लटों ने, मतलब ये हुआ कि इसमें कोई लट भी नहीं आती, कोई मच्छर भी नहीं आता, कोई मुहावरा नहीं आता, तो इसमें किसी तरह का स्प्रे करने के लिए कोई खर्चा नहीं, कमाई कमाई एक ही।